हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनाली मित्ता, योर साइंस टीचर एट करियर क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस योर चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन दिस क्लास वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ एज वी ऑल नो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटेंड होने से बनता है। हमें यहाँ फिगर में दिख रहा है कि न्यूक्लियस का आउटर न्यूक्लियर एनवेलप है, यही एनवेलप फोल्डेड फॉर्म में एक्सटेंड हो रहा है और ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसे हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो फोल्ड्स है फोल्ड्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमें मेनली दो तरह का दिख रहा है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे लेबल किया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उनके कौन से टाइप्स है, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे ढूंढा था पॉटर ने इन 1949 एंड थॉमसन ने इन 1955। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टम लाई बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से बना एक सिस्टम है जो न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट हो रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फोल्डेड फॉर्म में एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, मोस्टली जो एक्टिव सेल होंगे जैसे कि लीवर सेल पेनक्रियाज उसमें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो बहुत ही एबेंडेंटली प्रेजेंट होगा। बट प्रोकैरियोटिक सेल और मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें तीन फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी इज फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक लाइक पार्ट्स। ये जो फिगर है उसमें हमें फोल्डेड फॉर्म दिख रहा है, फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फोल्ड्स को हम बोलेंगे सिस्टर्नी। सेकेंडली वेसिकल्स, ओवल और राउंडेड सैक एट द एंड एट द बॉटम वी कैन सी ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होगा फोल्डेड फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बोलेंगे सिस्टर्नी। दूसरा हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्लोब्यूल, ओवल शेप का वेसिकल दिख रहा है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्म होगा वेसिकल एंड थर्ड वन इज ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होंगे वो इंटरकनेक्शन होते हैं जो सिस्टर्नी और वेसिकल को जोड़ते हैं, कनेक्टेड कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, सिस्टर्नी वेसिकल एंड ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी फोल्डेड फॉर्म है जो स्पेस प्रोवाइड करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म होने के लिए। ठीक है, वेसिकल जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा मेनली, जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होगी यानी कि सिस्टर्नी में प्रोड्यूस होगी वो वेसिकल के थ्रू दूसरे ऑर्गेनल में या सेल के अलग अलग पार्ट में ट्रेवल करेगी। और ट्यूब्यूल्स जो होंगे वो ट्यूब लाइक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होते हैं जो सिस्टर्नी और वेसिकल को जोड़ते हैं। तो इन डिटेल द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उसके स्ट्रक्चर तीन तरह के, सिस्टर्नी वेसिकल एंड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ लेट अस फोकस इट्स टाइप। जैसे ही हमने फर्स्ट फिगर में देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उसकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच होंगे। अब क्योंकि सरफेस पे राइबोसोम अटैच है तो हमें पता है राइबोसोम का काम होगा प्रोटीन सिंथेसाइज करना, राइट। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे उनका रोल क्या होगा, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडली ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमें डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे आपको ऑरेंज कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है उसे हम बोलेंगे
राइबोसोम, राइट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका अपियरेंस हमें रफ दिखेगा, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। एट लेफ्ट साइड अबव लेफ्ट साइड वी कैन सी देर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम नहीं है वहां पे हमने लेबल किया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो जो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से उसका अपियरेंस जो है वो रफ है, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम नहीं होंगे तो उसका अपियरेंस कैसा दिखेगा, स्मूथ दिखेगा। और उनका फंक्शन क्या होगा, फैट या फिर लिपिड को सिंथेसाइज करना। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होंगे तो ही वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाएंगे। इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो स्मूथ दिखेगा, सेकेंडली वो सिंथेसाइज करेगा फैट एंड लिपिड। सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड आर सिंथेसाइज इन सेल विद हेल्प ऑफ ईआर एंड आर यूटिलाइज्ड इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ प्रोटीन और लिपिड बनाएंगे जिसे यूटिलाइज करके सेल अपना सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल अपना सेल मेम्ब्रेन सिंथेसाइज कर रहा है वो प्रोसेस को हम बोलेंगे मेम्ब्रेन। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, राइट, एक तो उसके ऊपर राइबोसोम है ही नहीं, सेकेंडली वो मेनली लिपिड या फैट उसे सिंथेसाइज करने। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट फंक्शन, इट इज द नेटवर्क सेपरेट साइटोसोल ऑफ द सेल इनटू सेवरल स्मॉल कंपार्टमेंट। जो सेल का साइटोसोल होगा, प्लाज्मा प्लाज्मा होगा, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग फोल्ड में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फोल्ड कंपार्टमेंट बनने से क्या होगा कि हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग से चैम्बर मिल जाएगा। जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा कि क्रिस्टी के सिस्टर्न ही क्या है, सिस्टर्न ही फोल्डेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है। तो सिस्टर्न ही जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्न ही है वो साइटोसोल को सेपरेट कर रही है, ठीक है, कंपार्टमेंट में, चैम्बर में डिवाइड कर रही है। तो हर एक चीज को परफॉर्म करने के लिए अलग से स्पेस मिल जाएगा। सेकेंडली ईआर गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म बाय प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ साइटोस्केलेटन टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। हमने पहले ही देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर एनवलप से जनरेट हो रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक वो फोल्डेड फॉर्म रहता है। अब ये फोल्ड्स की वजह से क्या होगा कि सेल को एक फ्रेम मिल जाएगा, एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा, एक सपोर्टिव सिस्टम मिल जाएगा, जिसके कारण सेल का जो शेप होगा वो मेंटेन रहेगा। एंड थर्डली द ईआर प्रोवाइड एक्सटेंसिव सरफेस फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सेल को एक स्पेस मिल जाता है, सरफेस मिल जाता है जहाँ पे प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हो सकते हैं और वो वहां से दूसरे पार्ट में, सेल के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर भी हो सकते हैं वाया वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स होंगे वो प्रोटीन और लिपिड को और सेल ऑर्गेनल में ट्रांसपोर्ट भी करेंगे। एंड लास्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उसका एक खास रोल होगा कि वो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म के अंदर लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, ठीक है। हम जो हार्मफुल ड्रग्स खाते हैं या हमारे बॉडी में जो पॉइजन प्रोड्यूस होते हैं तो वो पॉइजन या फिर ड्रग को हमारा लीवर अब्जॉर्ब कर लेता है और लीवर के सेल में जो स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे वो हार्मफुल पॉइजन और ड्रग को कन्वर्ट कर देते हैं या सेल से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये स्पेसिफिक फंक्शन हो गए, ठीक है। पहले तो वो साइटोप्लाज्म में चैम्बर बना रहा है, स्पेसिफिक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सेकेंडली वो सेल का शेप मेंटेन करने में हेल्प
कर रहा है, थर्डली वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे लिपिड और प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, और फोर्थली वो लिवर सेल को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। ठीक है, दिस आर ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू।